जो कि यहाँ सन 1977 के लगभग से यहाँ नियुक्त तो थे अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में। उनका इन्हीं दिनों असामयिक निधन हो गया। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है और पोदार परिवार की ओर से हम उनके प्रति शोक संतप्त हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पोदार प्रबंधन के अधिकारियों ने भी उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, जो हम लिखित रूप से उनके परिवार बंधुओं तक पहुंचाएंगे। यहाँ उनके बहुत से परम शिष्य हैं जो आज भी उनको याद करते हैं। हमारे आत्मीय मनोज जी और हुकुम सिंह जी, जो कि हेलो नवलगढ़ से हैं, उन्होंने भी यहाँ स्वर्गीय चंद्रपाल जी शर्मा के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, जो निसंदेह है बहुत ही आत्मीय अनुभूति है। गुरुजन के प्रति श्रद्धा होना, उनके प्रति आत्मीयता रखना, ये निसंदेह है बहुत ही सहृदय भाव है। मैं हमारे बीच विराजे हैं परम श्रद्धेय श्रीमान राम गोपाल जी गुप्ता साहब, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप पधारें और परम श्रद्धेय जो कि आज ब्रह्मलीन है श्री चंद्रपाल जी शर्मा साहब, उनकी तस्वीर के समक्ष सुमन माल अर्पित करें। परम श्रद्धेय चंद्रपाल जी के समक्ष आदरणीय शिव कुमार जी शर्मा साहब, जो कि उनके पारिवारिक बंधु भी हैं और उनके साथ सानिध्य बहुत लंबे समय तक उनका रहा है, आदरणीय शिव कुमार जी शर्मा साहब, साथ में मनोज जी हैं। और ये दीप प्रज्वलन भी हो जाए, साथ साथ आ जाए मैडम दीप प्रज्वलन का ये। हाँ आ जाइए सर गुप्ता जी, एक दीप प्रज्वलन का जो है वो भी होना चाहिए था समय समय पर, साथ ही साथ पुष्पांजलि से पूर्व। साथ में जो भी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, उनके शिष्य, उनके आत्मीय बंधु, उन सब से मेरा निवेदन कि वे पंक्तिबद्ध होकर के यहाँ पधारे और हमारे आत्मीय चंद्रपाल जी शर्मा जी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित करें, पधारें। और इसके बाद पोदार स्कूल का जो स्टाफ है, पनाभाई रामनाथ पोदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि ये हमारे स्टाफ सदस्य रहे हैं स्वर्गीय चंद्रपाल जी शर्मा साहब, जो आज ब्रह्मलीन है, भौतिक शरीर चला जाता है पर उनकी जो सूक्ष्म आत्मा है वो हमेशा विद्यमान रहती है उस परिवेश में, उस स्थान पर जहाँ वो कर्मरत रहते हैं। आज सब हम लोग दुख संतप्त हैं और उन्हें बहुत बहुत याद करते हैं। इस अवसर पर मैं इस विद्यालय की प्राचार्य महोदय परम आदरणीय पूजा पंवार जी भी हमारे समक्ष हैं, और साथ ही मैं श्रीमान विकास सिंह जांगिड़ साहब से निवेदन करूंगा कि पधारें आप भी, साथ में सुरेंद्र जी, जो भी यहाँ स्टाफ के लोग हैं पंक्तिबद्ध होकर के एक के बाद एक सभी पधारें और पुष्प अर्पित कर श्रद्धेय चंद्रपाल जी शर्मा को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करें, सभी पंक्तिबद्ध होकर के पधारें। उनके प्रियजन, उनके आत्मीयजन, उनके प्रिय विद्यार्थी भी यहाँ पधारे हैं, वे भी आ जाएं और उनकी तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करें। चंद्रपाल जी शर्मा अपने विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही सहृदय, बहुत ही आत्मीय और बहुत ही ऐसे शिक्षक रहे हैं जो हमेशा जिनके चेहरे पर मधु मुस्कान
बिल्कुल आत्मीय भाव और सहृदय भाव अपने विद्यार्थियों के प्रति रहा है, इसलिए आज विद्यार्थीगण उनके यहाँ पधारे हैं और वे पुष्प अर्पित कर अपने गुरुजनों के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। जो भी यहाँ पधारे हैं उनके शिष्य वो आ जाएं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अब उदार पानाबाई पानाबाई रामनाथ उदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो स्टाफ है, उनके जो गुरुजन हैं, वे श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। निसंदेह ये दुख और संवेदना का विषय है। चंद्रपाल जी शर्मा, जो कि बहुत ही कम समय में एक प्रकार से असामयिक निधन है ये उनका, लोग उन्हें बहुत बहुत याद कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी आत्मीय अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मैं बहुत श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय रामगोपाल जी गुप्ता साहब को पधारें और उनके प्रति शब्दों के माध्यम से उद्बोधन, अपनी भावांजलि व्यक्त करें। श्रद्धेय रामगोपाल जी गुप्ता साहब, जो कि उस समय से ही हमारे वरिष्ठ व्याख्याता रहे हैं, प्रधानाचार्य भी रहे हैं, श्री रामगोपाल जी गुप्ता साहब। श्री चंद्रपाल जी को सादर श्रद्धांजलि। चंद्रपाल जी उदार स्कूल के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के रूप में आए थे और प्रगति करते करते फिर वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर इंग्लिश के व्याख्याता बने। ये उनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, स्कूल के प्रति उनकी निष्ठा, ये सब इसका प्रतीक है। अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण ही वो एक साधारण प्राइमरी स्कूल के टीचर से व्याख्याता के पद तक पहुंचे। केवल पद तक पहुंचे ही नहीं, उन्होंने अपने पद की पूर्ण प्रतिष्ठा भी रखी। बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न करना, संस्था के प्रति अपनी निष्ठा को रखना, ये उनकी मुख्य विशेषताएं थी। कोई भी कार्य सौंप दिया जाए उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। आज हमारे बीच नहीं है, 17 दिन के अंदर ही उनका सारा काम हो गया। 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच में बीमार भी रहे और दाह संस्कार भी हो गया। अचानक ही बीमारी का पता चला, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। उसने जितनी सांसें दी हैं उतनी ही सांसें मुक्ति उनका उपभोग कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यह निश्चित है कि अगर चंद्रपाल जी की तरह सभी अध्यापक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और संस्था के प्रति निष्ठा रखते हुए कार्य करें तो संस्था निश्चित रूप से प्रगति की ओर अग्रसर होगी। धन्यवाद। उनके परम शिष्य मनोज जी, जो कि स्वयं एक बीएड कॉलेज में व्याख्याता हैं, पधारे। मनोज जी, आपके आग्रह पे ही ये आयोजन किया गया। निश्चित रूप से गुरु की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्हें शिष्य बहुत याद करें और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। मनोज जी, मैं इसी पदार्थ स्कूल से 2005 में पास आउट हूँ, 12वीं यहीं से किया मैंने और इसी परिसर में यहीं आपके सामने यहीं बैठ के मैंने भी सर से शिक्षा ली है। सर इंग्लिश के टीचर थे, बावड़ी गेट पे सभी के, इनका नाम फेमस था इनका। तो आज अपने बीच में से अचानक से सर ने जैसे बताया 17 दिन के अंदर सब कुछ कैंसिल था, हमें चले गए। मैं और तीन स्टूडेंट हैं, हम लोग सर के प्रति बहुत श्रद्धा थी, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आपको भी सभी टीचरों के लिए प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए उनको, मतलब ये मान के चलो कि प्रथम गुरु भी ये हैं माता पिता के बाद में और आगे भी यही रहेंगे। स्कूल लाइफ में जो टीचर रहेगा वही हमेशा याद रहेगा, कॉलेज लाइफ में कोई याद नहीं रहेगा। कॉलेज लाइफ में सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। स्कूल लाइफ का टीचर, स्कूल लाइफ का फ्रेंड, वो हर दम याद रहता है। जैसे हमें सर याद है, ये अनिल जी सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, गोपाल जी सर से पढ़ा हुआ हूँ,
आज ऐसी स्थिति है कि सर से पढ़े हुए बच्चे यहाँ उपस्थित नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। इसलिए सभी जो भी स्टाफ हैं उनके प्रति श्रद्धा रखो और अपनी मेहनत और लगन से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। जो बच्चा श्रद्धांजलि देना चाहे लाइन टू लाइन आ सकता है, ठीक है। थैंक यू। हेलो, नवलगढ़ के माध्यम से जाने जाने वाले हुकुम सिंह जी शेखावत, जिन्होंने अपना मीडिया में परचम लहरा रखा है, पूरे क्षेत्र में हर एक व्यक्ति आज इनको जानता है। ये भी चंद्रपाल जी शर्मा के परम शिष्य रहे हैं और इस आयोजन में इनकी भी भागीदारी बहुत प्रमुख है। मैं निवेदन करूंगा कि पधारें और अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करें। श्री हुकुम सिंह जी शेखावत, हेलो नवलगढ़ के। अभी कोई ताली नहीं बजाएंगे, ये श्रद्धांजलि समारोह गुरु जी के प्रति हम सब लोगों की आस्था है। और जैसा भाई मनोज जी ने बताया, गुरु जी एक वो शब्द है जहाँ पे आपको शिक्षा मिलती है, आपके जीवन का निर्माण होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु जी का बहुत महत्व होता है। आप जैसे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, कभी हम भी यहाँ बैठते थे और इसी तरीके से प्रार्थना सभा होती थी। और चंद्रपाल जी गुरु जी की अपनी एक उनका जो अंग्रेजी की शिक्षा के उनका जो पढ़ाने का तरीका था, और हम सब लोग और हमारे जैसे हजारों विद्यार्थी जो पोदार संस्था से आगे निकले हैं, उन सब लोग गुरु जी को आज स्मरण कर रहे हैं अपने अंतर्मन भाव से। उपस्थित वो फिजिकली नहीं है, लेकिन वो अपनी मनोभाव से यहाँ मौजूद है। और ये हमेशा याद रखिए, आप लोगों की संसार में जो व्यक्ति आया है, जन्म मरण मरण सब निश्चित है। जैसे रामगोपाल जी गुरु जी ने कहा, अचानक ये सब चीजें हैं, हम उनको याद करें, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए उनको याद कर रहे हैं, अपना सब समय निकाल रहे हैं, सब याद कर रहे हैं। और जीवन भर उनको तमाम गुरुजन जो अपनी शिक्षा के माध्यम से हम सब लोगों को एक मार्ग प्रशस्त किया है, तो यही हमारी मनोभावना है कि जहाँ भी रहे स्वर्ग में और भगवान उन्हें अपने प्रभु श्री चरणों में स्थान देवे, हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। मनोज जी यहाँ आ जाइए, मनोज जी यहाँ आ जाइए। आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। बाकी अनिल जी सर, ठीक है, उनके सुपुत्रों में एक मिलिट्री में मेजर है और उनसे भी बड़े पद पर हैं। हम लोग सभी एक बार खड़े होकर उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि के लिए मौन करेंगे और फिर अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करेंगे। सभी एक साथ खड़े होंगे, सावधान की स्थिति, सावधान की स्थिति। मिनट का मन धारण करना है, तब क्या नीचे, ठीक है।
ताकि विश्राम साधन मौन ओम शांति 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 हरि ओम धन्यवाद। विश्राम।